यूपी नगर निगम चुनाव के दूसरे चरण का मतदान नज़दीक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर आईएस तोमर। उनसे बात करेंगे कि क्षेत्र में कैसा माहौल है, बरेलीवासी असल में चाहते क्या हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आप लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं, क्या लगता है कि बरेलीवासियों को क्या उम्मीदें हैं अपने आगे आने वाले 5 साल का जो मेयर होगा उनसे? देखिए, मैं 2 टर्म पहले यानी 10 साल रह चुका हूँ, तो मैं कोई जनता के लिए नया नहीं हूँ। जनता मेरे कार्यशैली को जानती है, जनता ने वर्तमान की कार्यशैली भी देख ली, तो अब जनता अपना 100% मन बदल चुकी है। क्योंकि मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार से है, किसी व्यक्ति विशेष से मेरा कोई लड़ाई नहीं। भ्रष्टाचार इतना भयंकर हुआ है नगर निगम में, जब वो उजागर होगा, जब वो खुलेगा, तो आपको पता चलेगा कि 100 रुपये की चीज़ जो है वो 5,000 में खरीदी जाती है। तो मेरी लड़ाई केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ है। मैं इस बरेली नगर निगम को भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहता हूँ। बिल्कुल, हम जब शहर में घूम रहे थे तो एक जो पोस्टर है वो काफ़ी चर्चाओं में रहा, शिष्टाचार भ्रष्टाचार, इसको लेकर इस पोस्टर के माध्यम से सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप राजनीतिक पद पर आए हैं किसी पद पर, तो आप सेवा के लिए आते हैं, अपनी मर्जी से आए, आपको कोई जबरदस्ती करके नहीं लाया। तो जब आप अपनी मर्जी से आए और सेवा के लिए आए हैं, तो फिर सेवा करिए और भ्रष्टाचार पैदा करके अपनी संपत्ति पैदा मत करिए। पिछले 5 सालों में बरेली कितना स्मार्ट हुआ है सर? देखिए, ये तो आपने भी देखा होगा, हर तरफ खुदा पड़ा है, नाले बने हैं, उनका कनेक्शन नहीं है, जो साइड में लाइटें लगी हैं उन लाइटों की लाइफ नहीं है। आपने 5-5 फुट 10-10 फुट पर लाइट लगाई, कोई नॉर्म्स होने चाहिए, उन नॉर्म के हिसाब से होना चाहिए। जो पिलर लगे वो सब स्टैंडर्ड है, तो हम ये नहीं कह रहे कि काम ना हो, काम हो, लेकिन स्टैंडर्ड की चीज़ें लगाएं, अच्छी चीज़ें लगाएं। जी सर, एक सवाल मेरा और है, अगर देखा जाए तो जो आपके विरोध में खड़े हुए हैं उनके पीछे पूरी टीम है, लेकिन आप अकेले सर चल रहे हैं, आपके पास समर्थकों का हुजूम है, क्या लगता है सर लड़ाई कितनी दिलचस्प होने वाली है? लड़ाई तो है ही नहीं, आदमी अपना मन बना चुका है और उसे मालूम है कि 1,000 करोड़ रुपया जो शहर में लगना था वो लोगों की जेब में चला गया। तो जनता अपना पूरा मन बना चुकी है, हम तो रोज़ घूम रहे हैं सुबह शाम रात, तो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं। सर, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं कि समाजवादी पार्टी ने समर्थन दे दिया है, आपको नहीं लगता कि अगर सिंबल मिल जाता और उनके भी साथी आके आपका प्रचार में बढ़ते तो शायद जो चुनाव है वो काफ़ी आसान हो जाता आपके लिए? मैं कभी आसान चुनाव लड़ता ही नहीं, मैं तो इंडिपेंडेंट ही लड़ता हूँ। 2000 में भी इंडिपेंडेंट लड़ा, 2012 में भी लड़ा था, 2022-23 में भी इंडिपेंडेंट लड़ रहा हूँ। मुझे तो मेरा चुनाव तो जनता लड़ाती है, जनता के बीच खड़ा हो जाता हूँ, जनता से पूछ लेता हूँ, भाई तुम्हें यदि मुझे मेरी सेवाओं की आवश्यकता हो तो तुम मुझे वोट देकर अपने सेवा करने का मौका दो, नहीं दे रहे हो अपना अस्पताल भैया जाके फिर मरीज देखने लगूँ। बिल्कुल, तो डॉक्टर आईएस तोमर हैं जिनसे बात की हमने, उन्होंने साफ कहा है कि जनता चुनाव लड़ा रही है और जनता ही जिताएगी, क्योंकि जनता को अभी बहुत कुछ देना बाकी है। फिलहाल 11 मई को बरेली में वोटिंग होने वाली है और देखने वाली बात यह होगी कि जनता का रुझान किसकी तरफ होता है। विजन्स बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इनसाइडर, बरेली। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।